वेलकम टू ज्ञान वेब। मैं हूँ आपका दोस्त अक्षय, और इस वीडियो में हम एक बिल्कुल ही नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं इस वीडियो में। तो आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये प्लेलिस्ट किस बारे में है। तो ये प्लेलिस्ट 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, स्पेसिफिकली उनके लिए नहीं है, मतलब सब इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो अब जो ये वाली है, ये वाली प्लेलिस्ट जो है, ये है C++ लैंग्वेज के ऊपर। तो दिस प्लेलिस्ट इज़ ऑल अबाउट C++ लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बैक एंड में यूज़ होती है। तो पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे टर्बो C++ को डाउनलोड करना है, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम C++ की प्रोग्रामिंग करते हैं और बैक एंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और अब अपने किसी भी ब्राउज़र में जाओ और यूट्यूब जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है उसको यहाँ पे पेस्ट करो। तो अब आपके पास ये पेज खुल जाएगा। अब ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है ना, डाउनलोड टर्बो C++, इस पर क्लिक करो। तो यहाँ पे ये डाउनलोडिंग स्टार्ट होने वाली है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। हाँ, तो ये आ गया। यहाँ पे लोकेशन सेट करनी है और सेव पे क्लिक करना है तो डाउनलोड हो जाएगा। मैंने पहले से कर रखा है डेस्कटॉप पे, इसलिए मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। हाँ, तो ये जो फाइल है, ये वाली गलती से ओपन हो गई है। हाँ, तो ये जो फाइल है, इस फाइल ये यही वाली फाइल है जो डाउनलोड करी है। इसे एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करना है। तो अब ये देखो, यहाँ पे एक फोल्डर आ गया है, इसको क्लिक करके ओपन करो और इसमें सेटअप नाम का होगा, उस पर डबल क्लिक करो। ये खुल जाएगा 2 मिनट में। हाँ, तो अब नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर ये लाइसेंस अग्रीमेंट है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। और उसके बाद इसे आई अग्री पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, 2 मिनट लेगा। तो इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पे लॉन्च द प्रोग्राम पे इसको टिक कर देना है और फिनिश पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा ना कि जैसे ही इसे फिनिश करेंगे तो वो अपने आप चालू हो जाएगा। वैसे ये आइकन आ चुका है सेकेंड नंबर पे, अभी अपने आप खुल जाएगा। ये खुल गया। अब यहाँ पे दे स्टार्ट टर्बो C++, इस पर क्लिक करो। तो ये खुल गया है। तो ऐसे होगा ये टर्बो C++ डाउनलोड। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जल्दी कर देना। और इस आगे मैं C++ की और वीडियोस लाता रहूँगा, आपको पूरी तरीके से इस लैंग्वेज के बारे में बताऊँगा कि कैसे कैसे बैकएंड में आपको प्रोग्रामिंग करनी है। आगे हम और भी लैंग्वेजेस पढ़ेंगे। और इतना ही था इस वीडियो के लिए। थैंक यू, गुड बाय।